आज का समय कैसा आ गया है दोस्तों, लोग अपने आप में ही उलझे पड़े हैं। हर तरफ लड़ाई झगड़े मार पीट, कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई माँ को मार रहा है, या फिर कोई भाई को मार रहा है। दोस्तों इन सब का कारण बस एक ही है, वो है पैसा। पैसा है तो उनकी इज्जत है, लोग ऐसा मानते हैं, उनके पास सब कुछ है ऐसा सोचते हैं वो लोग। इस पैसे के चक्कर में लोग अपने माँ बाप को भी घर से निकाल दे रहे हैं। दोस्तों पैसा तो हम कमा रहे हैं, पर हमारे माँ बाप ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। दोस्तों एक बार सोच के देखो, जिस माँ बाप ने हमें खिला पिला कर बड़ा किया, हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया, खुद कुछ ना खाए लेकिन हमें खिलाए, हमारे सारे शौक को पूरा किया, अपने शौक को भूल गए, वो सिर्फ हमारे शौक पर ध्यान दिया। दोस्तों जिस घर में हम बड़े हुए उसी घर से लोग उन्हें निकाल देते हैं। दोस्तों जब हम छोटे थे, याद कीजिए, अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे थे, तो वे हमारे माँ बाप हमारी उंगलियाँ पकड़कर हमें चलाना सिखाते थे। जिन्होंने हमारी उंगलियाँ पकड़ के हमें चलाना सिखाया, आज हम बड़े हो गए तो उनके बूढ़े हो जाने पे हम उनका हाथ छोड़ देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बुरा करते हैं दोस्तों, ये जो भी है बहुत गलत है। अरे मेरे यारों, दुनिया का सारा पैसा तुम कमा लोगे तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना माँ बाप के साथ रहने से मिलेगी। याद करो दोस्तों, जब आप कभी घर से बाहर होते हैं पढ़ने के लिए या कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा चिंता आपको अगर आपका कोई करता है तो वो है आपके माँ बाप। वे सोचते रहते हैं कि पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं, पता नहीं सभी काम को कर पाता होगा कि नहीं। दोस्तों जब हम वापस घर पे कभी आते हैं बाहर से, तो हम अपने माता पिता के चेहरे को देखते हैं। आप एक बार अपने माता पिता के चेहरे को देखिए दोस्तों, उतनी खुशी उनके चेहरे पे आपने कभी नहीं देखी होगी जितना वे आपको देख के खुश होते हैं। तो दोस्तों हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको कभी भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए, उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। दोस्तों हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्नत और स्वर्ग पाने की बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, हम ऐसा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने माँ बाप के होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखें। दोस्तों माँ बाप ही हमारी असली भगवान और असली अल्लाह हैं, और जन्नत उन्हीं के चरणों में मिलती है, उन्हीं के यहाँ मिलती है जन्नत, जन्नत और कहीं नहीं है। तो मेरे दोस्त माँ बाप तो कभी मत रुलाना, मेरे दोस्त तो माँ बाप को कभी मत रुलाना। अगर वो रोए तो आप जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें जितना प्यार दे सको दो दोस्तों, क्योंकि आप जिस मुकाम पर खड़े हैं वो माँ बाप की वजह से ही मिली। अगर आप बड़े हुए हैं तो वो माँ बाप की वजह से हुए। आपके पास सारी चीज़ें हैं तो वो माँ बाप की वजह से है। आपका देखभाल जो करता है वो माँ बाप है। दोस्तों माँ बाप की बहुत इज्जत करो, असली भगवान असली ईश्वर वही है जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्हीं को आज हम मार रहे हैं। दोस्तों हम ये क्या कर रहे हैं, इससे घटिया काम कोई हो ही नहीं सकता जो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल के अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। दोस्तों वो लोग पहले एक बार याद करें कि वे छोटे थे तो वे कहाँ रहते थे। दोस्तों वे छोटे थे तो उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उनके हर शौक को पूरा उनके माँ बाप ने किया है। पल पल हर एक रास्ता पे माँ बाप ने हमें हमारा साथ दिया, हमें पढ़ाया है। तो दोस्तों हम ऐसे माँ बाप को कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों हमें अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे असली भगवान है, वही हमारे ईश्वर है, वही हमारे अल्लाह है। सारी खुशी